हेलो दोस्तों, आप लोगों को गुलाबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ। आपके लिए 5 सेकेंड का टाइम है, बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो इसमें भी चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से क्या आंसर सही होगा दोस्तों, बताओ। सोच लो, फिर कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन इसका सही आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों में से कौन आंसर सही होगा, ए बी सी डी, इनमें से कौन सही होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम इसका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो बताओ दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा, बताओ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुटपाद। कुटपाद इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैं लाया हूं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टैलिन। टैलिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताओ इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्वासोश्वास। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा दोस्तों, बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज इसका राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विसरण। विसरण इसका राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा, बताओ। तो इसका राइट आंसर है विघटन। विघटन जो होता है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो राइट आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर इस क्वेश्चन का हल सभी लोग प्रायः जानते होंगे, बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 120 और 80। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो सबसे बाहरी झिल्ली कौन है इन चारों ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है,
मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, जो कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धराड़ेंद्री पली। धराड़ेंद्री पली इसका राइट आंसर होगा, धराड़ेंद्री पाली। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो बताओ दोस्तों इसमें से क्या उत्तर होगा? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताओ, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इन चारों ऑप्शन में से क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन्स है? तो ऑक्सीजन इन चारों ऑप्शन में से क्या है दोस्तों, बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। जो ऑक्सीजन जो होता है वह एंजाइम है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जय प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जय प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है, या फिर ये सभी आता है? तो बताओ दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन जय प्रक्रम के अंतर्गत में आता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या परासरणी? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी। मृतजीवी जो होता है गोबर छत्ता के अंतर्गत में आता है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में समानतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो कितना परसेंट पाया जाता है? 78%, 21%, 4% या 0.03%? अधिकतर इसका उत्तर सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 0.03%, जो कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।